नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चांदनी। वेलकम टू हेल्थ टिप्स। प्रेगनेंसी के दौरान डाइट का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि आप जो कुछ भी खाते हैं उसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। इसलिए डॉक्टर अक्सर इसे पूरे 9 महीने के समय में अच्छा से अच्छा डाइट प्लान फॉलो करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इसका फायदा माँ और बच्चे दोनों का होता है। खासकर सुबह खाली पेट तो खासकर एक प्रेग्नेंट महिला को पोषण से भरपूर मील ही लेना चाहिए, ताकि सुबह की शुरुआत तक बेहतर हो। एक प्रेग्नेंट महिला और पूरे परिवार की कोशिश यही होनी चाहिए कि सुबह खाली पेट हेल्दी खाना खाएगी। इससे आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को विटामिन्स और मिनरल्स सही मात्रा में मिल पाएगा, जिसकी वजह से उसका सही विकास हो पाएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो सुबह खाली पेट ऐसा कुछ ना खाए जो आपके और आपके बच्चे के लिए अनहेल्दी है। प्रेगनेंसी के पूरे पीरियड के दौरान हेल्दी फूड्स को ही अपने डाइट में शामिल करें। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस दौरान क्या खाना चाहिए जो माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होता है। एक प्रेग्नेंट महिला को सुबह के वक्त हेल्दी और हल्का खाना चाहिए, जिससे वह एसिडिटी और गैस की समस्या से बच सके। सिर्फ इतना ही नहीं, वह ऐसा करके कब्ज की समस्या से भी बच सकती है और वह दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। किस टाइप का डाइट लेना अच्छा होता है? सुबह खाली पेट विटामिन ए, बी, सी और आयरन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर पोषक तत्व खाना चाहिए। हेल्दी खाना आराम से पच जाता है। ये पोषक तत्व माँ और बच्चे दोनों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सुबह के टाइम खट्टे फल खाने से बचना चाहिए, जैसे नारंगी, कीवी, अंगूर, आंवला जैसे फल। प्रेगनेंसी में सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए? साबुत अनाज में विटामिन्स, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। साबुत अनाज के रूप में दलिया, ओट्स और ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। साबुत अनाज खाए। नाश्ता हल्का होना चाहिए। ऐसे में नाश्ता में पोहा बहुत अच्छा होता है। प्रेगनेंसी में खाली पेट पोहा और उपमा बहुत अच्छा होता है। यह पोषक तत्व से भरपूर भी होता है। पोहे को हेल्दी बनाने के लिए इसमें बीन्स और मूंगफली भी मिला सकते हैं। खाली पेट पोहा खाए, खाली पेट अंडा खाए। जी, यह गंध की प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्रेगनेंसी में आराम से खाली पेट अंडा खा सकते हैं। यह सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस आर्टिकल में बताई विधि, तरीकों और सुझाव पर अमल करने से पहले डॉक्टर या संबंधित एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हेल्थ टिप्स के साथ।